बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि क्यूब रूट कैसे मालूम करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हम क्यूब रूट ऑफ -1 फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम कहेंगे लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -1, देन x इज इक्वल टू -1 की पावर 1/3। अब हम दूसरे स्टेप में ये करेंगे कि क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट x की पावर 3 और इधर आ जाएगा -1, 3 के साथ 1/3 कट हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि ये -1 जो है इधर आ जाएगा +1 और इधर 0 रह जाएगा। अब इसको हम x3 + 1 के फैक्टराइज करेंगे। तो x3 + 1 पे फार्मूला जो है वो ये वाला आएगा, a3 + b3 = a + b a² - ab + b² तो इस फार्मूले के तहत हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1 x² - यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस आएगा, दोनों का प्रोडक्ट x × 1 x आ जाएगा, +1² वो 1 ही आ जाएगा, डेट इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें देखना ये है कि या ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे, x + 1 = 0, x² - x + 1 = 0। इसमें से x की वैल्यू आ जाएगी -1 और इधर जो है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे जो पहले आपको बता चुके हैं। a की वैल्यू 1 है क्योंकि x² का कोएफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू -1 है, x का कोएफिशिएंट -1 है और c जो है कांस्टेंट है वो 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे -b + b² - 4ac / 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो b की वैल्यू -1 है, -1 + b² यानी -1² -4 a की वैल्यू और c की वैल्यू पुट की नीचे जो है ÷2 × 1। तो ये आ जाएगा 1 + -1² - 4/2। नेक्स्ट ये स्टेप हमारा बन जाएगा 1 + -3/2। तो इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे, 1 + -3√2 और एक दफ़ा इसको माइनस लिखेंगे, 1 - -3√2। अब इसके जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं वो आ जाएंगे 1 - 1 1 + -3√2 1 - -3√2। ये जो है -1 है तो ये किसके बराबर होगा, -ω के, और ये जो है -ω² के। तो दीज आर कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ -1।